ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرست اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرست اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى، بہت ہی عزیز نوجوان طلبہ، بار بار ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، میں آج کی اپنی گفتگو کا آغاز بھی اسی شعر سے کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، جو کچھ میں آگے کہوں گا وہ اسی شعر کا ایکسپلینیشن ہوگا۔ جو آج کل کا فیشن اور ٹرینڈ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے میدان میں جو جاتا ہے یا جاتی ہے وہ اپنے پرسنل انڈیویجول کیریئر کے لیے جاتا ہے، اس کے سامنے صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں کون سا ڈپارٹمنٹ یا اسٹریم جوائن کروں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اسی مقصد سے پڑھتے لکھتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں اور کوئی بزنس یا جاب میں لگ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 10-20 لاکھ روپے مہینہ کما لیتے ہوں یا اس سے بھی زیادہ، لیکن ان کی تاریخ ان کو یاد نہیں رکھتی، ان کا خاندان بھی ان کو یاد نہیں رکھتا، اور اکثر یاد رکھتے ہیں لوگ تو اچھی طرح یاد نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس میرے عزیز بچوں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایجوکیشن لیتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے پرسنل انڈیویجول کیریئر کے لیے نہیں، بلکہ سماج کی اور انسانیت کی خدمت کے ارادے سے۔ آپ مثالیں اٹھا کر دیکھو، کبھی کبھی تو یہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ ایک انسان جب تک اپنے پرسنل کیریئر کے لیے کام کرتا رہا، اسے دنیا میں نہ عزت ملی نہ شہرت ملی، نہ کوئی اسے جانتا تھا، کوئی خاص اسٹیٹس اس سوسائٹی میں حاصل نہیں تھا۔ مسٹر موہن کرم چند داس گاندھی ایک ایمیننٹ لائر تھے اور ایک ساؤتھ افریقن مسلم بزنس مین نے ان کو اب کورٹس آف لا میں اپنے کیسز کو پلیٹ کرنے کے لیے گجرات سے بلایا تھا۔ وہ کیسے لائر تھے میں اس پر تو کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن جب تک وہ مسٹر موہن کرم چند داس گاندھی رہے نو بڈی نیو ہم، کوئی نہیں جانتا تھا، وہ بھی بہت سے وکیلوں کی طرح ایک وکیل تھے، کالا کوٹ پہن کر کورٹ میں چلے جاتے تھے، کبھی کیس جیت جاتے تھے کبھی کیس ہار جاتے تھے، لیکن جب موہن کرم چند داس گاندھی نے انڈیا کی آزادی کی لڑائی میں حصہ لینا شروع کیا
जो बहुत पहले से शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में और मोहम्मद अली शौकत अली इन लोगों की लीडरशिप में मुल्क में चल रही थी, जब उन्होंने इस तहरीक को ज्वाइन किया तो चंद महीने के अंदर वो मोहन चंद करमदास गांधी से निकलकर महात्मा गांधी बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने लॉ की एजुकेशन यूके में पाई थी, बैरिस्टर थे और पूरे ग्रेट ब्रिटेन के टॉप मोस्ट लॉयर थे। रॉयल फैमिली के केसेस जिन दो तीन वकीलों को दिए जाते थे उनमें से शायद पहला या दूसरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना का था, लेकिन उन्हें एक वकील की हैसियत से लोग जानते थे। फिर एक वक्त आया कि मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया आए, कांग्रेस ज्वाइन की, फ्रीडम मूवमेंट में कूद पड़े, यहाँ तक के वो जब दुनिया से गए तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बन कर गए। दुनिया की तारीख जोग्राफी में तब्दीली करके गए। मेरे इशारे को समझना, हिस्ट्री भी बदल दी, जोग्राफी भी बदल दी। और मुझे यकीन है कि फ्यूचर पर भी बहुत असर पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर थिएटर के पोएट थे, थिएटर के शायर थे, वो थिएटर के लिए कुछ गाने लिखते थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने जब फिलोसफिकल शायरी शुरू की और इंसानियत के ज़मीर को एड्रेस करना शुरू किया और एक तरह से फ़कीरी इख्तियार की, तो दुनिया की तारीख में चंद इनकलाबी शायरों की कोई फहरिस्त अगर बनाई जाए तो टैगोर के ज़िक्र के बग़ैर वो मुकम्मल नहीं हो। ग्रेट मोहम्मद इकबाल, उन्होंने उस वक्त डीलिट की डिग्री यूरोप की यूनिवर्सिटियों से हासिल की थी, जिस वक्त यहाँ डीलिट की डिग्री का नाम भी कोई नहीं जानता था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ 19th सेंचुरी। इकबाल के डिग्री को कोई नहीं जानता, इकबाल के इनकलाबी पैगाम से पूरी दुनिया गूंज रही है। अगर आप हार्वर्ड जाएं, कैम्ब्रिज जाएं, ऑक्सफोर्ड जाएं, मैं लाहौर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, कराची यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, अगर आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएं, तो आपको लिटरेचर के डिपार्टमेंट में पहला फोटोग्राफ जो दिखाई पड़ेगा वो इकबाल का दिखाई पड़ेगा। और उस हॉल में जहां इकबाल का फोटो लगा हुआ है, कोई अमेरिकन प्रोफेसर जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस का प्रोफेसर हो वो उस हॉल में सर झुकाए बगैर दाखिल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इकबाल अपने लिए नहीं जिया करते थे, इकबाल पूरी इंसानी बिरादरी के लिए जिया करते थे। काश के वक्त होता मैं ऐसी 20 मिसालें गिना सकता। APJ अब्दुल कलाम, आप में से बहुत से लोग उनसे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। हमारे मुल्क के एक सदर, लेकिन उनकी हैसियत जो बनी वो राष्ट्रपति भवन में नहीं बनी। वो इसलिए नहीं जाने जाते कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। हमारे मुल्क में ऐसे और भी सदर बने हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आज के जो सदर है उनका क्या हाल है, कि जो अगर सदर न होते तो शायद उनका पड़ोस में भी कोई उनका नाम न जानता। लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने फ़कीर और गरीब घराने में जिंदगी गुजारी। पर्सनली मुझसे उन्होंने बताया था कि मैं 2 घंटे रोज़ाना अखबार बेचता था साइकिल पर,
वो भी किराए की साइकिल थी। उस किराए की साइकिल लेकर वो अखबार बेचा करते थे, न्यूज़पेपर के हॉकर थे। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक वो अखबार बेचते थे, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर जोर देते थे। 7th क्लास में जब पहुँचे तो उन्होंने फिर कसम खाई कि मुझे अपने देश के लिए, गरीब इंसानों की तरक्की के लिए जीना है, इसलिए APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में नहीं बसे, करोड़ों इंसानों के दिल में बसे। नौजवानों, मैं तुमसे सिर्फ बहुत मोहब्बत के साथ और तुम्हारी खैरख्वाही के सच्चे जज्बे से कहना चाहता हूं कि प्लीज अपने लिए, सिर्फ अपने लिए जीने के लिए पढ़ने का इरादा अगर हो तो आज ही उसको बदल दो। इरादा पैदा करो इस बात का कि हमें अपने देश के लिए, आम गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, महरूमों के लिए, मार्जिनाइज पीपल के लिए, डिप्राइव क्लास के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ न कुछ करना है दुनिया में, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। एक कुदरत का उसूल है जिसे बड़े सादा लफ्ज़ों में रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि इंसान जो काम भी करता है उस काम के करने के पीछे जो उसका रियल इंटेंशन होता है, जो उसका असली इरादा होता है, इंसान को उस काम के नतीजे में वही हासिल होता है। अगर तुम्हारा इरादा अभी से, ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ, अगर अभी से बन गया कि मुझे कुछ काम आना है, तो मैं कसम खा के तुमको वादा कर सकता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ कि खुदा की कुदरत तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी किस्मत में लिख देगी कि तुम लाखों या शायद उनसे भी ज्यादा के काम आ सको। एक बात अच्छी तरह याद रखना, जो दूसरों के लिए जाता है, जीता है, सबसे ज्यादा अल्लाह उसी की मदद करते हैं। जहन में एक बात यह आती है कि मैं दूसरों के लिए जीऊंगा तो खाऊंगा कहां से, मैं अपनी फैमिली को कैसे रन करूंगा। मुझे तो एक नाम तारीख में बता दो, अभी न बता सको तो महीनों सोच कर तुम किसी अपने टीचर को बता देना, एक नाम, हजारों साल की तारीख में एक नाम बता दो जो दूसरों के लिए जिया हो और उसको दुनिया में भूख प्यास और जिल्लत उठानी पड़ी हो, एक नाम बता दो। और मैंने तो कैनवस को बहुत बड़ा बनाकर पेश किया है, मैं सिर्फ मुस्लिम नाम मैंने नहीं लिए बल्कि ज्यादा नाम तो मैंने नॉन मुस्लिम लोगों के लिए, इसलिए कि खुदा का कानून सबके लिए एक होता है। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल न बदला।